एक ऐसा अभिनेता जिसे कभी नायक तो कभी खलनायक कहा गया। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। कैसे 8 अफेयर्स और 3 शादियां करने के बावजूद ये बन गया बॉलीवुड का सुपरस्टार। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगे। कैसे इस एक्टर ने प्यार के नाम पर कर दिया सैकड़ों लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़। इस एक्टर के नाम को जोड़ा गया अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से। भाई गलती होगी भाई, माफ कर दो भाई। चुप। और क्यों ये अभिनेता 36 साल बना रहा कानून की नजरों में अपराधी। कैसे इस अभिनेता को अवैध हथियार रखने के जुर्म में जाना पड़ा जेल। नालायक, किसी को चैन से जीने नहीं देगा तू। और कैसे इस एक्टर की एक गलती ने शर्मसार कर दिया अपने माता पिता के मान सम्मान को। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नॉवेल। एक ऐसा एक्टर जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहा, जो असल जिंदगी में हमेशा विवादों से घिरा रहा, जो कभी अपने अफेयर्स की वजह से तो कभी अपनी शादियों की वजह से लोगों के बीच चर्चा का कारण बना रहा। ये अभिनेता किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन हम आपको रूबरू करा रहे हैं दमदार, पावरफुल, स्टाइलिश और मोस्ट फैशनेबल संजय दत्त उर्फ संजू बाबा से। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय सुनील दत्त है। सुनील दत्त अपने जमाने के मशहूर और लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं, तो वहीं संजय दत्त की मां का नाम स्वर्गीय नरगिस दत्त है। नरगिस भी भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा चर्चित अभिनेत्री रही हैं। संजय दत्त की 2 छोटी बहनें भी हैं, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। प्रिया दत्त शादी करके एक राजनीतिक दल का मार्गदर्शन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी बहन नम्रता दत्त भी शादीशुदा हैं। नम्रता की शादी फिल्म एक्टर कुमार गौरव से हुई है। संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। संजय को नरगिस चांद कहकर बुलाती थी। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। संजय दत्त अपने माता पिता के बहुत दुलारे थे, लिहाजा सुनील दत्त ने उनके उज्जवल भविष्य और अच्छी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए संजय दत्त को हिमाचल प्रदेश के कसौली में द लॉरेंस स्कूल सनावर बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया, जहाँ संजय ने अपनी शिक्षा पूरी की। संजय दत्त शुरुआत से काफी शरारती थे, उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बताया जाता है कि संजय दत्त अपने स्कूल के समय से ही बुरी संगत में पड़ गए थे। संजय को अपने स्कूल के समय से ही नशा करने की आदत पड़ गई थी। संजय दत्त को ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों को लेने की आदत पड़ गई थी। संजय दत्त की इस आदत का पता जब सुनील दत्त और माँ नरगिस को चला तो वो काफी दुखी हुए। सुनील दत्त और माँ नरगिस ने संजय को काफी समझाया, लेकिन संजय पर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा। लिहाजा सुनील दत्त ने संजय को पहले मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ 21 दिनों तक इलाज के बाद संजय दत्त को अमेरिका के रिहैब सेंटर भेज दिया गया, जहाँ संजय दत्त का अच्छे से इलाज किया गया। जब संजय दत्त अमेरिका में अपना इलाज करा रहे थे, तो भारत में सुनील दत्त संजय दत्त को फिल्मों में लाने का फैसला कर रहे थे, और सुनील दत्त ने इसकी नींव रखी फिल्म रॉकी से। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। संजय दत्त को वापस भारत लाया गया। संजय दत्त अब पहले से काफी बेहतर नजर आ रहे थे, लिहाजा उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी टीना मुनीम। टीना मुनीम संजय दत्त को पहले से जानती थी। फिल्म बनकर तैयार हो गई, लेकिन सिनेमा घरों में पहुंचने से पहले ही संजय दत्त की मां नरगिस की मृत्यु हो गई। नरगिस कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थी। संजय दत्त अपनी मां के काफी करीब थे। मां के निधन ने संजय दत्त को
अंदर तक तोड़ दिया था। नरगिस अपने जीते जी बेटे को सफलता के शिखर पर देखना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो संजय दत्त ने पिक्चर हॉल में अपने बगल वाली एक कुर्सी खाली रखवाई थी अपनी स्वर्गीय माँ के लिए। संजय दत्त की फिल्म को अपार सफलता मिली। संजय दत्त का काम और संजय दत्त लोगों को बहुत पसंद आए और ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। इस फिल्म ने उम्मीद से दुगना कारोबार किया था। इसके बाद संजय दत्त की कुछ और फिल्म आई, लेकिन ये फिल्में उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाए। लेकिन साल 1986 में संजय की एक फिल्म आई नाम। इस फिल्म में संजय दत्त के द्वारा निभाए गए किरदार ने संजय दत्त को एक अलग ही पहचान दिलाई और लोग संजय दत्त की एक्टिंग के कायल हो गए। इसके बाद संजय दत्त के पास फिल्मों की एक लंबी लिस्ट थी। संजय दत्त लगातार फिल्म किए जा रहे थे। कुछ फिल्म हिट रही तो कुछ फ्लॉप। और इसी साल 1991 में इनकी दो शानदार फिल्म आई साजन और सड़क। दोनों ही फिल्मों में संजय दत्त ने गंभीर किरदार निभाए। उनकी एक्टिंग लोगों के दिल में घर कर गई। दोनों फिल्मों का संगीत आज भी लोगों की जुबान पर है। जिए तो जिए कैसे। इन फिल्मों में अपने बेहतरीन किरदार निभाने की वजह से संजय दत्त टॉप हीरोज की लिस्ट में शुमार हो गए। उनका काम इंडस्ट्री में बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। उनकी फिल्म कामयाबी के शिखर पर थी। इसी कड़ी में संजय दत्त ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हीं फिल्मों में कुछ फिल्में ऐसी थीं जिनकी वजह से संजय आज सफलता के शिखर पर हैं। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में थीं यलगार, क्षत्रिय, खलनायक, आतिश, दाग द फायर, वास्तव, मिशन कश्मीर, LOC कारगिल, मुन्ना भाई MBBS, शूट आउट एट लोखंडवाला, अग्निपथ और KGF जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में जिनकी सफलता की रोशनी से संजय दत्त का फिल्मी सफर चमक रहा था। मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, तुम माने ना माने। चलिए बात करते हैं संजय दत्त के निजी जीवन की। संजय की पर्सनल लाइफ शुरुआत से ही परेशानियों और विवादों से घिरी रही। सफलता और विवाद दोनों इनकी जिंदगी में बराबर चलते रहे। असल जिंदगी में संजय दत्त नायक से ज्यादा खलनायक के रूप में जाने गए। संजय दत्त न तो कभी अच्छे पति बन पाए न अच्छे पिता। संजय दत्त की जिंदगी हमेशा लड़कियों और नशे के इर्द गिर्द ही घूमती रही। देख लिया तेरे सपूत ने खानदान का क्या नाम रोशन किया है। संजय दत्त के 8 अफेयर्स रहे हैं और 3 शादी। और इन सब के ऊपर संजय दत्त के 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं। शुरुआत करते हैं इनके पहले अफेयर से। तू प्रेमी, मैं प्रेमी, तू राजी, मैं राजी। संजय दत्त जब अपनी पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग कर रहे थे तो इनकी फिल्म की हीरोइन टीना मुनीम थी। टीना और संजय बचपन के दोस्त थे। संजय दत्त टीना मुनीम को डेट कर रहे थे, लेकिन टीना मुनीम संजय दत्त की ड्रग्स लेने की आदत से बेखबर थी। और एक दिन जब टीना मुनीम संजय के घर गई और वहां संजय दत्त की हालत देखकर वो डर गई। टीना ने संजय से तुरंत ब्रेकअप कर लिया। टीना ने आगे चल करके अनिल अंबानी से शादी कर ली। संजय दत्त ने अपनी बुरी आदत के चलते टीना मुनीम को खो दिया था। अरे बचपन से लेकर सुख दुख मेरे साथ आंख में चोली खेलते रहते हैं। फिर संजय दत्त का नाम जुड़ा मशहूर अभिनेत्री रेखा से। संजय दत्त अब अपने से बड़ी एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे। चर्चा तो यहाँ तक थी कि संजय दत्त और रेखा ने भागकर शादी भी की थी, लेकिन इस बात का कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है। रेखा और संजय दत्त के अलग होने का कारण भी संजय दत्त का नशे में रहना ही बताया जाता है। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो। संजय दत्त का लव कनेक्शन अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ भी रहा। खबरों के मुताबिक 1991 में फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ। दावा किया जाता है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि संजय उस समय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। इसी बीच दुर्भाग्य से 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में जब संजय दत्त का नाम सामने आया तो माधुरी दीक्षित उनसे खुद ही अलग हो गईं और इस तरह से दोनों की लव स्टोरी का
एंड हो गया। आखिर किस जन्म का बदला तू मुझसे ले रहा है भगवान। इसके बाद संजय दत्त का नाम रवीना टंडन, एक्ट्रेस नादिया दुर्रानी और इसके बाद मॉडल एंड एक्टर लीजा रे, फिर इसके बाद मॉडल और एयर होस्टेस रिया पिल्लई जैसी लड़कियों के साथ जुड़ा रहा। लेकिन संजय अपनी बुरी आदतों के चलते किसी के साथ भी नहीं रह पाए। वाह भगवान वाह, क्या खूब इंसाफ है तेरा। जानकारी के मुताबिक संजय दत्त का नाम मशहूर अभिनेत्री नीतू सिंह के साथ भी जोड़ा जाता है। संजय नीतू सिंह के इतने दीवाने थे कि एक दिन नशे में अपनी दोस्त गुलशन ग्रोवर के साथ मिलकर नीतू सिंह के पति ऋषि कपूर को पीटने के लिए उनके घर तक पहुंच गए थे, लेकिन नीतू के समझाने पर ये मामला शांत हुआ। नीतू सिंह भी इनकी इन्हीं आदतों के चलते संजय दत्त से दूर हो गई थीं। बताया जाता है कि संजय दत्त इंडस्ट्री में प्लेबॉय की छवि के नाम से जाने जाने लगे। वो इंडस्ट्री की सभी हीरोइन को डेट करने की सोचते थे। इसी कड़ी में संजय दत्त एक बार श्रीदेवी से मिलने उनकी फिल्म के सेट पर पहुंच गए। संजय दत्त ने उस समय शराब पी रखी थी। इस बात से श्रीदेवी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और इसी वजह से श्रीदेवी ने संजय दत्त के साथ कभी काम न करने का मन बना लिया था। संजय दत्त ने इसी तरह और भी कई नामचीन लड़कियों को डेट किया। संजय दत्त ने खुद एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि उनको खुद याद नहीं है कि वो कितनी लड़कियों के साथ रिश्ते में रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ों की बात की जाए तो वो लगभग 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ प्यार का ये खेल खेल चुके हैं। और संजय दत्त को अपनी आदत का आज भी कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने न जाने कितनी लड़कियों की भावनाओं जज्बातों को प्यार का खेल बना दिया। इसीलिए संजय दत्त असल जिंदगी में एक खलनायक के तौर पर जाने जाते हैं। अब मजा आएगा शिकार खेलने का। चलिए अब बात करते हैं संजय दत्त की तीन शादियों के बारे में। संजय दत्त की पहली शादी ऋचा शर्मा से हुई। शादी से पहले संजय दत्त ने ऋचा शर्मा की फोटो एक लोकल मैगजीन में देखी थी। इसके बाद संजय दत्त ऋचा शर्मा की खूबसूरती के दीवाने हो गए। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद ऋचा शर्मा संजय दत्त को डेट करने के लिए तैयार हो गई और इस तरह दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। इसके बाद 1987 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इनको एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम त्रिशाला रखा गया। बेटी के जन्म के 2 साल बाद संजय दत्त को पत्नी के ब्रेन ट्यूमर का पता चला। इसके बाद ऋचा शर्मा अपने इलाज के लिए अमेरिका चली गई। इसी बीच ऋचा शर्मा को संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी के बारे में पता चला। इस वजह से ऋचा संजय दत्त को छोड़कर अपने माता पिता के साथ न्यूयॉर्क में ही रहने लगी। 10 दिसंबर 1996 को ऋचा शर्मा का निधन हो गया। संजय दत्त की बेटी अब अपनी नानी और नाना के साथ ही रहती हैं। अरे अपनी वासना की आग बुझाने के लिए लाए थे तुम हमें, चोर बनाकर नहीं, बस की तरह पिछले के लिए नहीं आए थे। ऋचा के निधन के बाद संजय दत्त एक मॉडल और एयर होस्टेस रिया पिल्लई को डेट करने लगे और इसके बाद साल 1998 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला क्योंकि संजय दत्त एक दूसरी लड़की नादिया दुर्रानी को भी डेट कर रहे थे, जिस बात का पता रिया को चल गया था और रिया ने संजय दत्त से तलाक ले लिया था। बचपन से लेके जवानी के लंबे सफर में ना जाने मुझे कितने अंधे रास्तों से गुजरना पड़ा, कितनी तन्हाइयों को सहना पड़ा। मैं सब कुछ सहता रहा, जानता है क्यों? क्योंकि मुझे इस कड़वे सच को पीने की आदत सी पड़ गई है। इसके बाद संजय की जिंदगी में आई दिलनवाज शेख, जो आगे चल के मान्यता दत्त के नाम से जानी गई। मान्यता दत्त फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट का काम करती थी। संजय दत्त को मान्यता पसंद आ गई और दोनों को आपस में प्यार हो गया। फिर साल 2008 में दोनों ने शादी कर ली। संजय दत्त के इस शादी से दोनों बहन खुश नहीं थी, जिस वजह से इनके बीच मनमुटाव हो गया था। शादी के बाद मान्यता ने 2 बच्चों को जन्म दिया, शहरान और इकरा। वेरी हैप्पी एंड आई एम जस्ट टू हैप्पी एंड हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। अब बात करते हैं इन पर लगे पुलिस केस और आरोपों की। संजय दत्त अपने जीवन के शुरुआती समय से ही नशे की लत के आदी रहे हैं। इसी कड़ी में साल 1982 में संजय जब 22 साल के थे, इनके पास अवैध ड्रग्स रखने के जुर्म में
इन्हें गिरफ्तार किया गया। इस अपराध के लिए इनको 5 महीने की जेल हुई। जानता हूँ मैं। इसके बाद संजय दत्त का नाम मुंबई सीरियल ब्लास्ट में उजागर हुआ। ये एक आतंकवादी हमला था। इस हमले में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए थे। पुलिस जांच में संजय दत्त का नाम भी सामने आया। पुलिस ने संजय दत्त को अवैध हथियार AK-56 रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। संजय दत्त के पास जो हथियार मिला था उसका इस्तेमाल मुंबई ब्लास्ट में हुआ था। ये हथियार इनको अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों से मिला था जिनका नाम उस हिट लिस्ट में था जिन्होंने मुंबई में ये ब्लास्ट कराए थे। साल 1993 में टाडा अधिनियम के अंतर्गत संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। इसके बाद 1993 से लेकर साल 2013 तक ये कभी जेल में तो कभी जमानत पर बाहर आते रहे, लेकिन 21 मार्च 2013 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने टाडा के फैसले को बरकरार रखते हुए 5 साल की सजा सुना दी और इनको जेल भेज दिया गया। और फिर साल 2016 में ये अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ गए। कहना चाहता हूं कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूं। मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था। संजय दत्त का नाम जब अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा गया तो इस बात से सबसे ज्यादा इनके पिता सुनील दत्त जी टूट गए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को देश की जनता देशद्रोही के नाम से जाने, लिहाजा सुनील दत्त ने संजय दत्त को हमेशा बचाने की कोशिश की। चक्कर पर चक्कर लगाने पर भी कोई गारंटी नहीं कि छूट ही जाएगा। ऐसे उनको मदद मिल पाती, एक समय तक वो संजय दत्त का साथ दे पाए, लेकिन साल 2005 में सुनील दत्त जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता की जगह संभाल ली उनकी बहन प्रिया दत्त ने। प्रिया दत्त एक राजनीतिक पार्टी की नेता थी। अब वो हर कोशिश कर रही थी जिससे उनका भाई इन सभी मुसीबतों से बाहर आ पाए। तुम ये सुनना चाहते हो कि तुम टेररिस्ट नहीं हो तो ये कोर्ट कहती है कि तुम टेररिस्ट नहीं हो। पिताजी जिंदा होते तो वो आदमी वो सुनने के लिए बेताब था। जेल से आने के बाद संजय दत्त कई हिट फिल्में दे चुके हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स की फिल्में कर रहे हैं जो बहुत जल्दी सिनेमा घरों में रिलीज होंगी। संजय दत्त की जिंदगी के ऊपर एक फिल्म संजू भी बनाई गई है जिसमें संजय की जिंदगी के बारे में बताया गया है। संजय दत्त का किरदार मशहूर अभिनेता रणबीर कपूर ने निभाया था। मैं बहुत आभारी रहूंगा एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। संजय दत्त एक ऐसा किरदार है जिसने हमेशा खुद को और अपने परिवार को मुसीबतों में डाला है। संजय दत्त ने अपने स्टार होने के रुतबे का गलत इस्तेमाल किया है। संजय दत्त जहां अपने जवानी के दिनों में कितनी ही लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग में रहे, न जाने कितनी ही लड़कियों को उन्होंने धोखा दिया और संजय दत्त को आज भी इस बात का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन समय सबको सबक सिखा ही देता है। अब संजय दत्त अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश हैं। वो अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ मुंबई में रहते हैं। हम संजय दत्त से उम्मीद करते हैं कि वो अब किसी भी ऐसे काम में नहीं फंसेंगे जिसका इनको अफसोस हो। बॉलीवुड नॉवल उनके आने वाली फिल्मों की उन्हें शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि वो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखकर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।